हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर चैनल हम कर रहे हैं आपका एफ आई एफ़ आई बी कॉम का कॉमर्स uh, का चैप्टर नंबर थ्री रिटेलिंग इन सेमेस्टर टू काफ़ी सारे सेशंस हमने कर लिए हैं अगर आपने नहीं देखा है तो आपको उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां से जाके आप देख सकते हैं तो हमने रिटेलिंग में काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली थी ऑर्गेनाइज uh, रिटेलिंग क्या होता है अनऑर्गेनाइज क्या होता है क्या ग्रोथ रहा है रिटेलिंग का काफ़ी सारी चीज़ें देखी है उसके बाद हमने फॉर्मेट के बारे में पढ़ा था कि जो रिटेलिंग में आ, स्टोर फॉर्मेट होता है वो हमने काफ़ी सारे उसमें देख लिया था कि क्या क्या चीज़ें आती है अब हम आज कंटिन्यू करने वाले हैं नॉन स्टोर फॉर्मेट से अब स्टो स्टोर, स्टोर फॉर्मेट का मतलब क्या हो जाता है कि फिज़िकली स्टोर एग्जिस्ट करता है एंड उसका फॉर्मेट क्या रहेगा वो चीज़ें हमने देख ली थी अब नॉन स्टोर फॉर्मेट अब यहाँ पे हमें पढ़ना है तो अब ये नॉन स्टोर फॉर्मेट का मतलब क्या हो जाता है कि जहाँ पे फिज़िकली स्टोर की ज़रूरत नहीं है जो हम शॉप ख़रीदते हैं या बड़े बड़े मॉल्स बनाते हैं जहाँ पे जाके लोग शॉपिंग करते हैं या हमने कोई शॉप ख़रीदा वहाँ पे हम बिज़नेस कर रहे हैं तो वैसे स्टोर की ज़रूरत नहीं है तो वैसे नॉन स्टोर कौन कौन से रिटेलिंग होते हैं उनका फॉर्मेट क्या होता है वो हमें देखना है तो देखिए यहाँ पे उन लोगों ने क्या बताया है नॉन स्टोर रिटेलिंग इज अ फॉर्म ऑफ रिटेलिंग इन विच सेल्स आर मेड टू कंज्यूमर्स विदाउट यूजिंग स्टोर अब ये चीज़ आपको याद रखनी है कि यहाँ पे क्या होता है विदाउट यूजिंग स्टोर्स स्टोर्स यहाँ पे हमें यूज करने की ज़रूरत होती ही नहीं है उसके बाद आता है वैल ओनली टेन परसेंट ऑफ द रिटेल सेल्स आर मेड थ्रू नॉन स्टोर चैनल्स सेल्स इन नॉन स्टोर फॉर्मेट्स आर ग्रोइंग फास्टर दैन स्टोर सेल्स अब देखिए अभी तक अभी कैसा है सिचुएशन ओनली टेन परसेंट ऑफ द रिटेल सेल्स आर मेड थ्रू नॉन स्टोर मतलब दस परसेंट ही टोटल जो सेल हो रहा है रिटेलिंग से उसका नॉन स्टोर फॉर्मेट से हो रहा है लेकिन यहाँ पे उन लोगों ने क्या बताया है कि अब वो ग्रो कर रहा है बहुत ही फास्टर कंपेयर टू स्टो, स्टोर फॉर्मेट ठीक है नॉन स्टोर फॉर्मेट सेल्स बहुत इंक्रीज हो रहा है अब यहाँ पे द वेरियस टाइप्स ऑफ नॉन स्टोर फॉर्मेट्स इंक्लूड अब कौन कौन से टाइप के नॉन स्टोर फॉर्मेट्स अवेलेबल होते हैं तो उसमें सबसे पहले आपका आता है ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन अब वेंडिंग वेंडिंग का मतलब होता है सेलिंग सेल sell करना मशीन हमें पता है ऑटोमेटिक automatic, मतलब ऑटोमेटिकली सेल होगा जहाँ पे सेलर की अवेलेबल होने की ज़रूरत नहीं है जो पर्सन सेल करता है उस एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट वहाँ नहीं है कस्टमर आएगा ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन के पास क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड जो भी उसे कार्ड यूज़ करना है कैश उसके पास रहेगा वो यूज़ करके वो मशीन से वो गुड्स ले सकता है वो कार्ड वो यूज़ करेगा उसके थ्रू वो पेमेंट करेगा या कैश से करेगा एंड फिर वो गुड्स वो कलेक्ट कर सकता है वो हो जाता है ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन अभी ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीनस जो होते हैं वो ज़्यादातर डेवलप कंट्रीज़ में होते हैं अपने डेवलपिंग कंट्रीज़ में बहुत बहुत ही कम होते हैं ज़्यादा करके ये डेवलप में ही हमें देखने मिलेंगे और कौन कौन से टाइप के गुड्स होते हैं जो यहाँ पे सेल होते हैं वो भी हम इसमें आगे देखेंगे तो वेंडिंग मशीन रिटेलिंग इज नॉन स्टोर फॉर्मेट इन विच गुड्स और मर्कंडाइज आर स्टोर इन अ मशीन देखिए क्या होता है इस मशीन में स्टोर किया जाता है गुड्स को एंड डिस्पेंस टू कस्टमर वेन दे डिपॉजिट कैश और अ क्रेडिट कार्ड ठीक है उन्होंने कार्ड यूज़ किया या कस्टमर ने या फिर कैश दिया तब वो गुड्स डिस्पेंस किया जाता है मतलब उस मशीन से आ, आ, बाहर निकल के दिया जाता है आ, मशीन से वो गुड्स आएगा कस्टमर के पास डिस्पेंस होगा तो यहाँ पे स्टोर होगा गुड्स मशीन में एंड जब कस्टमर पेमेंट करेगा तब वो गुड्स जाएगा कस्टमर के पास ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते हैं तो ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन्स आर मोस्टली फाउंड इन डेवलप कंट्रीज कहाँ पर रहेगा या मोस्टली इन डेवलप कंट्रीज ही रहेगा लाइक यू एस ए यू के जापान एक्सेट्रा हावेवर नाव डेज दे हैव मेड इन रोड्स इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया एज वेल अभी वो इन, अपनी डेवलपिंग कंट्री में लाइक like इंडिया अपनी जैसी कंट्री में आ रहा है लेकिन अभी टाइम लगेगा ज़्यादातर ये डेवलप कंट्री में ही अवेलेबल होता है इनिशियली इम्पल्स गुड्स विथ हाई कन्वीनियंस वैल्यू सचेज सिगारेट्स देखिए कौन कौन से गुड्स है सिगारेट्स सॉफ्ट ड्रिंक्स कैंडी न्यूज पेपर्स एंड हॉट बेवरेज वेर ऑफर पहले ये स्टार्टिंग में ये सारे गुड्स सेल किए जाते थे वहाँ पर हैवेवर अ वाइड अरे ऑफ प्रोडक्ट्स सचेज होजियरी कॉस्मेटिक्स फूड स्नैक्स पोस्टेज स्टैम्प्स पेपर बैग बुक्स रिकॉर्ड एल्बम्स कैमरा फिल्म एक्सेट्रा आर नाउ अवेलेबल थ्रू मशीन्स स्पेशली इन डेवलप कंट्रीज ठीक है अभी पहले ये सारे गुड्स सेल किए जाते थे लेकिन अभी बाकी और भी ये वाले हौजियरी कॉस्मेटिक्स है फ्रूड स्नैक्स है ये सारे गुड्स भी अवेलेबल किए जा रहे हैं वेंडिंग मशीन्स कैन एक्सपांड अ फॉर्म्स मार्केट बाय रीचिंग टू कस्टमर्स वेयर एंड वैन दे केन नॉट कम टू द स्टोर क्या बता रहे हैं उन लोग वेंडिंग मशीन कैन एक्सपांड अ फॉर्म्स मार्केट बाय रीचिंग टू कस्टमर्स वेर एंड वैन दे के नॉट कम टू अ स्टोर जब वो जब कस्टमर्स मेन स्टोर पे नहीं जा सकते हैं गुड्स लेने के लिए तब वो यहाँ से गुड्स खरीद सकते हैं एंड क्या हो जाता है बिजनेसमैन का भी बिज़नेस बढ़ जाता है ठीक है उसके भी कस्टमर बढ़ रहे हैं जो कस्टमर उसके पास स्टोर में नहीं आ सकते हैं वो वहाँ से गुड्स ले सकते हैं ठीक है तो ये हो गया आपका नॉन स्टोर फॉर्मेट में सबसे फर्स्ट ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन रिटेलिंग ठीक है ये तो अभी हम सब लोग आजकल के ज़माने में यूज़ करते ही है क्या होता है ऑनलाइन रिटेलिंग होता है ऑनलाइन हमारे पास बहुत बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं किसी भी गुड्स के या सर्विसेज के और हम क्या करते हैं ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिकली इंटरनेट यूज़ करके हम प्रोडक्ट को ऑर्डर करते हैं सबसे पहले हम प्रोडक्ट के ऑप्शन देखते हैं उस ऑप्शन में से हमें जो पसंद आता है कैसे हम पसंद करते हैं उसकी क्वालिटी देखते हैं उसकी प्राइस देखते हैं कब वो गुड्स डिलीवर होगा वो सारे ही ऑप्शंस देख के हम क्या करते हैं गुड्स को सिलेक्ट करते हैं एंड उसके बाद हम Uh, उसको ऑर्डर करते हैं एंड फिर वो गुड्स आता है हमारे घर पे होम डिलीवरी होता है ठीक है अब पेमेंट हम उसी टाइम भी कर सकते हैं या फिर गुड्स हमारे घर पे आए तब भी, भी कर सकते हैं तो ये हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन रिटेलिंग अब इसमें भी क्या हुआ है कस्टमर स्टोर में विजिट नहीं कर रहा है कस्टमर तो खुद के घर में ही है ठीक है तो इसीलिए इसको भी नॉन स्टोर फॉर्मेट कहा जाता है ना इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग इज अ रिटेल फॉर्मेट इन विच द रिटेलर एंड कस्टमर इंटरेक्ट विथ ईच अदर थ्रू इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क कैसे हो रहा है दोनों का इंटरेक्शन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क ठीक है इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क यूज करके रिटेलर एंड कस्टमर इंटरेक्ट कर रहे हैं वो फेस टू फेस मिलते नहीं हैं आफ्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डायलॉग बिटवीन द रिटेलर एंड कस्टमर द कस्टमर कैन ऑर्डर मर्केंडाइज डायरेक्टली थ्रू द इंटरेक्टिव नेटवर्क द मर्कंड टिपिकली डिलीवर्ड टू द कस्टमर्स होम क्या होता है कस्टमर के घर पे गुड्स डिलीवर किया जाता है पेमेंट कैन बी मेड विद द हेल्प ऑफ क्रेडिट और डेबिट कार्ड और कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट कोई भी मोड से हो सकता है क्रेडिट कार्ड हो या डेबिट कार्ड हो या कैश ऑन डिलीवरी जब गुड्स आ जाता है तभी कैश दिया जाता है वैसे भी हो सकता है द मेन बेनिफिट टू द कस्टमर इनक्लूड लोअर प्राइजिस बिकॉज ऑनलाइन रिटेलिंग इन्वॉल्व डायरेक्ट चैनल देखिए यहाँ पर क्या हो जाता है प्राइजेस थोड़ी लो हो जाती है क्योंकि जो स्टोर फॉर्मेट रहता है वहाँ पर जो खर्चा होता है स्टोर का वो यहाँ पर कम हो जाता है उसकी वजह से गुड्स की प्राइज यहाँ पर थोड़ी लोअर हो जाती है एंड उसके बाद उन लोगों ने क्या बताया है द मेन डिसएडवांटेज इज़ दैट द कस्टमर कैन नॉट एग्जामिन द गुड्स बिफोर देखिए कैन नॉट एग्जामिन द गुड्स बिफोर प्लेसिंग द ऑर्डर ये एक उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि कस्टमर बिफोर बाइंग गुड्स को चेक नहीं कर सकता जैसे हम स्टोर में जाते हैं ठीक है स्टोर में हम गए मॉल में गए सुपरमार्केट में गए हम क्या करते हैं गुड्स को लेते हैं हाथ में उसे देखते हैं किस क्वालिटी का है क्या है चेक करते हैं वो चीज़ यहाँ पे पॉसिबल नहीं है ठीक है प्लस क्या होता है अगर गुड्स में कुछ डिफेक्ट आया तो उसके बाद फिर उसको रिटर्न करना पड़ता है उसमें भी टाइम लगता है वो सारी चीज़ें भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है तो देखिए ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन रिटेलिंग जहाँ पे क्या होता है इलेक्ट्रॉनिकली कस्टमर गुड्स ऑर्डर करता है एंड फिर वो गुड्स उसको होम डिलीवरी होता है कस्टमर को स्टोर पे जाने की ज़रूरत नहीं है इलेक्ट्रॉनिकली ऑनलाइन वो शॉपिंग कर सकता है तो ये हो गया आपका नॉन स्टोर फॉर्मेट में सेकेंड इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन रिटेलिंग अब आगे बढ़ते हैं आगे आता है आपका डायरेक्ट सेलिंग ना वॉट इज़ डायरेक्ट सेलिंग डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या होता है बिज़नेस क्या करेगा ख़ुद के ही सेल्स पर्सन को भेजेगा कस्टमर्स के पास जो क्या करेंगे कस्टमर के वहाँ जाके प्रोडक्ट उन्हें दिखाएंगे, उसके फीचर्स बताएंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे एंड फिर कस्टमर कन, अगर कन्विन्स हो जाता है उसे वो गुड्स पसंद आता है तो वो फिर वहीं से गुड्स ले लेता है एंड पेमेंट कर देता है तो ये हो जाता है डायरेक्ट सेलिंग अब यहाँ पे भी क्या हो रहा है ये भी नॉन स्टोर फॉर्मेट क्यों है क्योंकि कस्टमर को तो स्टोर में जाने की ज़रूरत नहीं है सेल्स पर्सन आया है कस्टमर के पास गुड्स लेके उसे बता रहा है उसे डेमोस्ट्रेट करता है ठीक है गुड्स का वो ट्रायल करके बता सकता है एंड फिर कस्टमर उसे खरीद लेता है उसके घर पर बैठे ही इसके लिए ये हो जाता है नॉन स्टोर फॉर्मेट डायरेक्ट सेलिंग वाला अब देखिए अब पढ़ते हैं आगे द डायरेक्ट सेलिंग इन डायरेक्ट पर्सनल प्रेजेंटेशन देखिए डायरेक्ट सेलिंग इन्वॉल्व डायरेक्ट पर्सनल प्रेजेंटेशन डेमोन्स्ट्रेशन एंड सेल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस टू कंज्यूमर्स यूजअली इन देयर होम्स और एट देर वर्क प्लेस ठीक है मोस्टली कहाँ पर होता है ये घर पर होता है कस्टमर्स के घर पर जाके प्रोडक्ट दिखाया जाता है डेमोस्ट्रेट किया जाता है लेकिन कभी कभी वर्क प्लेस पर भी हो सकता है नाउ आगे बताया है डायरेक्ट सेलिंग इज डिस्टिंग फ्रॉम डायरेक्ट मार्केटिंग बिकॉज इट इज अबाउट इंडिविजुअल सेल्स एजेंट्स अब ये डायरेक्ट सेलिंग एंड डायरेक्ट मार्केटिंग में उन लोगों ने बोला है फ़र्क है क्यों है डायरेक्ट सेलिंग क्या है इट इज अबाउट इंडिविजुअल सेल्स एजेंट्स डीलिंग डायरेक्टली विथ क्लाइंट्स डायरेक्ट सेल्स में क्या हो रहा है इंडिविजुअल पर्सन जा रहा है खुद कस्टमर के पास गुड्स लेके उसे डेमोन्स्ट्रेट करता है एंड फिर उसे वो सेल करता है कस्टमर को इसलिए उसे डायरेक्ट सेलिंग कहा गया है और डायरेक्ट मार्केटिंग अलग हो जाएगा वो हम देखेंगे डायरेक्ट मार्केटिंग इज अबाउट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सीकिंग अ रिलेशनशिप विद देयर कस्टमर्स विदाउट गोइंग थ्रू एन एजेंट और रिटेल आउटलेट अब डायरेक्ट मार्केटिंग में हम क्या करते हैं कस्टमर तक पहुंचते हैं लेकिन वहाँ पे हम कोई सेल्स पर्सन नहीं भेज रहे हैं हम मार्केटिंग करेंगे मार्केटिंग का मतलब है हम इनफॉन in, हमारे प्रोडक्ट या सर्विसेज की इंफॉर्मेशन पहुँचाएंगे कस्टमर तक लेकिन डायरेक्टली पहुँचाएंगे बीच में हम कोई एजेंट यूज़ नहीं करने वाले हैं जैसे हम एडवर्टीजमेंट करते हैं वगैरह किसी एजेंसी के पास जाके तो वैसे हम नहीं करेंगे हम मार्केटिंग खुद ही करेंगे तो ये फ़र्क हो जाता है डायरेक्ट सेलिंग एंड डायरेक्ट मार्केटिंग में डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है एजेंट या सेल पर्सन क्या करता है गुड्स लेके ही जाता है कस्टमर के पास उसे प्रेजेंट करता है डेमोन्स्ट्रेट करता है एंड वहीं पे सेल कर देता है एंड डायरेक्ट मार्केटिंग में हम क्या करते हैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को डायरेक्टली विदाउट यूज यूजिंग एनी एजेंसी और एजेंट नाउ डायरेक्ट सेलिंग ऑफन यूजेस मल्टी लेवल मार्केटिंग देखिए डायरेक्ट सेलिंग में क्या कहा है उन लोगों ने यूजेस मल्टी लेवल मार्केटिंग सेल्स पर्सन इज पेड फॉर सेलिंग एंड फॉर सेल्स मेड बाई पीपल ही रिक्रूट और स्पॉन्सर्स रादर देन सिंगल लेवल मार्केटिंग सेल्स पर्सन इज पेड ओनली फॉर द सेल्स ही मेक्स बाय हिम सेल्फ देखिए यहाँ पर क्या कहा है उन लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है मल्टी लेवल मार्केटिंग यूज होता है मतलब हमने किसी सेल्स पर्सन को अपॉइंट किया तो वो क्या कर सकता है उसको वो खुद से भी उसके अंडर एक या दो जन को अपॉइंट कर सकता है जो क्या करें उस प्रोडक्ट को सेलिंग करे जाके ठीक है तो यहाँ पे क्या होता है मल्टी लेवल मार्केटिंग आ, यूज होता है नाउ आगे बढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू वन स्टडी सेवेंटी परसेंट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इज़ अंडरटेकन बाय विमेन ट्वेंटी परसेंट कपल्स एंड टेन परसेंट बाय मेल्स ये इन्फॉर्मेशन कुछ दिया है उन लोगों ने कि सेवेंटी परसेंट का डायरेक्ट सेलिंग कस्टमर के पास जाके प्रोडक्ट दिखाना एंड फिर उसे सेल करना तो अकॉर्डिंग टू वन स्टडी सेवेंटी परसेंट सेलिंग कौन करता है विमेन लेडीज़ लोग कर देती है ट्वेंटी परसेंट कपल्स एंड टेन परसेंट बाय मेल्स ठीक है तो ये आपका हो गया थर्ड जो हमने देख लिया डायरेक्ट सेलिंग जो नॉन स्टोर फॉर्मेट में आता है ना फोर्थ वन इज़ डायरेक्ट मार्केटिंग मार्केटिंग मैंने बताया मार्केटिंग का मतलब क्या होता है कस्टमर को इंफॉर्मेशन पहुंचाना हमारे प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में उसके फीचर्स के बारे में हम जो डिस्काउंट दे रहे हैं ऑफर्स दे रहे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन पहुंचाना ठीक है उसे हम बोलेंगे मार्केटिंग न यहाँ पर डायरेक्ट मार्केटिंग में उन लोगों ने क्या बोला है इन डायरेक्ट मार्केटिंग द मार्केटिंग इज़ डन डायरेक्टली टू द कस्टमर विदाउट द हेल्प ऑफ एन एजेंट देखिए डायरेक्ट मार्केटिंग मतलब डायरेक्टली हम कस्टमर को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं विदाउट द हेल्प ऑफ एजेंट हम किसी एजेंट को बीच में यूज़ नहीं कर रहे हैं जैसे कि हमने क्या किया मान लो कस्टमर को हमें मार्केटिंग करना है इन्फॉर्मेशन देना है प्रोडक्ट का तो हम किसी एडवर्टीजमेंट एजेंसी के पास जाएंगे और उसे हम बोलेंगे कि आप एडवर्टीजमेंट करो हमारे लिए तो क्या हो गया वो पर्सन हमारे लिए काम कर रहा है वो एज एन एजेंट काम कर रहा है ठीक है लेकिन अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं किसी भी बीच में एजेंट को हम यूज़ नहीं करेंगे हम खुद ही सीधा कस्टमर को मार्केटिंग करेंगे अब उसमें सबसे फर्स्ट आपका आता है मेल ऑर्डर रिटेलिंग डायरेक्ट मार्केटिंग में अब ये मेल ऑर्डर रिटेलिंग क्या होता है कि थ्रू ईमेल क्या होता है कम्युनिकेशन होता है कस्टमर को बताया जाता है प्रोडक्ट के बारे में ऑफर्स के बारे में एंड सर्विसेज के बारे में एंड फिर कस्टमर को अगर अच्छा लगता है वो वो कन्विंस हो गया है कि उसको खरीदना है प्रोडक्ट तो फिर वो प्रोडक्ट को ऑर्डर करता है लेकिन आजकल के ज़माने में अब ये मेल ऑर्डर रिटेलिंग ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करता है द ऑर्डर फ्रॉम द कस्टमर्स इज़ रिसीव थ्रू द मेल कैसे मिलता है यहाँ पे ऑर्डर रिसीव्ड थ्रू द मेल मेल से ऑर्डर मिलता है एंड अकॉर्डिंगली गुड्स आर डिलीवर टू द कस्टमर and payment is collected however indian customers hardly place orders through the mail theek hai apne india mein zyada tar ye hota nahi hai nowadays mail order retailing has lost its significance due to the growth of the online retailing अब ऑनलाइन रिटेलिंग आ गया है ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग का ज़माना आ गया है तो अब ये मेल ऑर्डर रिटेलिंग एकदम ना के बराबर हो गया है अब इसके थ्रू कोई भी गुड्स लेता नहीं है अब सेकेंड आपका आता है डायरेक्ट मार्केटिंग में टेलीविजन शॉपिंग अब ये टेलीविजन शॉपिंग का मतलब क्या होता है कंपनी क्या करती है टेलीविजन पे ही सीधा खुद के प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देती है प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन वहाँ पे दिखाया जाता है कि प्रोडक्ट कैसा है मान लो को इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है तो उसे कैसे यूज़ करना है सारी चीज़ें बताई जाती है उसकी प्राइस बताई जाती है कि और ऑफ़र्स बताए जाते हैं कि चलो आप दो दिन में ख़रीद लेते हो तो आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा या फिर कोई फ्री गिफ्ट मिलेगा सारी चीज़ें बताई जाती है एंड सेलर की इंफॉर्मेशन भी वहाँ पर अवेलेबल होती है उसके फ़ोन नंबर्स होते हैं वगैरह काफ़ी सारी डिटेल्स वहाँ पे अवेलेबल होती है जिसके थ्रू कस्टमर्स ऑर्डर कर सकता है प्रोडक्ट को तो ये हो जाता है टेलीविज़न शॉपिंग डिटेल्स अबाउट द प्रोडक्ट सचेज फीचर्स यूजेस प्राइसेस एंड गारंटी वारंटी देखिए कौन कौन सी डिटेल्स बताई जाती है फीचर्स यूजेस प्राइजिस गारंटी वारंटी आर एक्सप्लेन ऑन द टेलीविज़न नेटवर्क फ़ोन्स नंबर्स आर प्रोवाइडेड टू ऑर्डर फ़ोन नंबर दिए जाते हैं ताकि कस्टमर उसे देख के उस पर ऑर्डर कर सके इफ द बायर इज़ कन्विंस्ड द बायर प्लेस इज़ द ऑर्डर एंड अकॉर्डिंगली गुड्स आर डिलीवर्ड एट द बायर्स एड्रेस एंड पेमेंट इज कलेक्टेड क्या करेगा बायर टेलीविजन पे वो इंफॉर्मेशन देखेगा अगर उसको प्रोडक्ट पसंद आया तो वो क्या करेगा नंबर सेलर के फ़ोन नंबर पे कॉल करेगा एंड ऑर्डर करेगा प्रोडक्ट के लिए उसके बाद वो प्रोडक्ट उसके घर पर डिलीवर किया जाता है एंड पेमेंट उसी टाइम कस्टमर से कलेक्ट किया जाता है नाउ हवेवर इन इंडिया एंड एल्सवेयर इन द वर्ल्ड मोस्ट ऑफ़ द टेलीविजन चैनल्स प्रमोट द प्रोडक्ट लाइक हर्बल टी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स मेरेकल पेंडेंट्स मसाज ऑयल्स एक्सेट्रा ये सारी ही चीज़ें टेलीविजन शॉपिंग में मोस्टली मार्केटिंग की जाती है and they blackmail the people by highlighting special benefits which in reality product does not have any therefore viewers be aware काफी uh, time ऐसा हो जाता है कि television shopping में जो product के बारे में information दी जाती है characteristic उसके उसके uses बताए जाते हैं वो बहुत बड़ा चड़ा के बताया जाता है तो customer क्या करता है आ, वो सुन के प्रोडक्ट ऑर्डर कर देता है लेकिन जब रियल में वो प्रोडक्ट आता है तो वो प्रोडक्ट उस क्वालिटी का नहीं मिलता है जो कस्टमर ने सोचा रहता है ठीक है तो कभी कभी इंफॉर्मेशन गलत भी हो जाती है इसलिए उन लोगों ने बताया है देर फॉर व्यूअर्स बी अर अवेयर रहना चाहिए कस्टमर्स ने व्यूअर्स ने ठीक है तो ये हो गया आपका डायरेक्ट मार्केटिंग में दो चीज़ें हमने देख ली मेल ऑर्डर रिटेलिंग एंड टेलीविज़न शॉपिंग तो ये हमने चार चीज़ें देख ली नॉन स्टोर फॉर्मेट में अब आगे बढ़ते हैं स्टोर प्लानिंग स्टोर डिज़ाइन एंड लेआउट की तरफ ठीक है आगे हमने आ, फॉर्मेट के लिए बात कर लिया कि रिटेलिंग में क्या क्या होता है स्टोर फॉर्मेट एंड नॉन स्टोर फॉर्मेट देख लिया अब ये स्टोर प्लानिंग जब भी स्टोर प्लानिंग किया जाता है स्टोर प्लानिंग मतलब Uh, अंदर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे रहेगा ठीक है कौन सी जगह पे फूड जोन कहाँ पे रहेगा ठीक है शॉपिंग एरिया कहाँ पे रहेगा बिलिंग काउंटर कहाँ पे रहेगा ये जो सारी ही चीज़ें सोची जाती है प्लानिंग किया जाता है ठीक है उसमें क्या करते हैं हम डिज़ाइनिंग करते हैं उसका लेआउट सोचते हैं ठीक है थीके? ये सारी चीज़ें हम प्लान करते हैं तो वही प्लानिंग में हम कौन कौन से मैटर देखेंगे कौन कौन से पॉइंट कंसिडर करेंगे वो हमें यहाँ पे देखना है ना स्टोर प्लानिंग इनवॉल्व लोकेशन ऑफ द स्टोर स्टोर डिज़ाइन एंड ले ये सारी चीज़ें आएगी इसमें लोकेशन ऑफ द स्टोर स्टोर डिज़ाइन ले आउट द टाइप ऑफ मर्कंडाइज टू डिस्प्ले मर्कंडाइज मतलब गुड्स मैंने बताया था मर्कंडज़ टू डिस्प्ले एंड सेल स्टोर प्लानिंग गुड्स गोज बियॉन्ड द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ द स्टोर इट इज प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स एवरी आस्पेक्ट ऑफ डिजाइनिंग द स्टोर द स्टोर मस्ट बी प्लान फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द कस्टमर हु वुड पेट्रोनाइज टू द स्टोर पेट्रोनाइज होना मतलब लॉयल रहना बिजनेस को बार बार वहीं पर शॉपिंग करने आना तो अब हम स्टोर का फॉर्मेट कैसा बनाएंगे कैसा प्लान करेंगे हम वो चीज़ हम सोचेंगे कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम अगर खुद कस्टमर है और हम कहीं शॉपिंग करने जाते हैं हम कहीं सुपर बाजार में गए या शॉपिंग मॉल में गए या डिपार्टमेंटल स्टोर में गए तो उस कस्टमर को कौन कौन सी चीज़ें पहले लेना पसंद आएगा या कौन कौन सी चीज़ें उसे अच्छे से दिख जाएगी फटाफट वो ख़रीद लेगा ठीक है कैसे हम अरेंजमेंट करेंगे कि गुड्स कहाँ पे हम रखेंगे ताकि कस्टमर के लिए कंफर्टेबल हो लाइटिंग्स कैसी रहेगी ये सारी ही चीज़ें हम सोचने वाले हैं यहाँ पे स्टोर प्लानिंग में ठीक है चलिए तो स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट यहाँ पे आता है लोकेशन जब भी हम स्टोर की बात करेंगे स्टोर को जब हमें डिज़ाइन करना है तो उसमें सबसे पहले तो हम देखेंगे कि स्टोर का लोकेशन कहाँ पे है हम जो स्टोर लेंगे जो हम बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं वो हम कहाँ करेंगे तो वो हम कहाँ करेंगे हम ये नहीं सोचेंगे कि चलो हमें कहाँ पे रेंट कम हो रहा है तो हम वहाँ जाते हैं वैसे हम नहीं सोचेंगे हम क्या सोचेंगे कस्टमर को वो प्लेस कहाँ कन्वीनियंट है या नहीं कंफर्टेबल है या नहीं कस्टमर इजीली वहाँ आ सकता है या नहीं उस लोकेशन पे वो चीज़ हम देखेंगे तो हम ऐसे लोकेशन पे स्टोर ओपन करेंगे जहाँ पे कस्टमर फटाफट से आए एंड वो शॉपिंग करें ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आए ठीक है ऐसी जगह नहीं होनी चाहिए कि जहाँ पे ज़्यादा लोग जाते ही नहीं है कोई अलग सा ही एरिया है वहाँ पे हमने स्टोर ओपन कर दिया वैसे नहीं होना चाहिए तो देखते हैं अब लोकेशन के बारे में क्या बताया है इन लोगों ने अ स्टोर्स लोकेशन शुड ऑलवेज बी पार्ट ऑफ स्टोर प्लानिंग ठीक है स्टोर प्लानिंग में ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है स्टोर लोकेशन नाउ द स्टोर शुड बी प्रिफरेबली इन प्राइम लोकेशन विच इज़ कैसी जगह पे होना चाहिए प्राइम लोकेशन विच इज़ इज़ीली एक्सेसिबल टू द कस्टमर कस्टमर इज़ीली आ सके वहाँ पे वैसी जगह पे अपना स्टोर होना चाहिए अवॉइड लोकेटिंग द स्टोर एट सिक्लूडेड प्लेस मतलब अनसीन प्लेस जैसे हम बोलेंगे जहाँ पे बहुत कम लोग जाते हैं जो एरिया अन है कस्टमर्स के लिए वैसी जगहों पर स्टोर नहीं होना चाहिए द स्टोर्स डेकोर एंड मर्कंडाइज शुड ऑल्सो रिफ्लेक्ट द स्टोर्स लोकेशन देखिए स्टोर का डेकोर मतलब इंटीरियर वगैरह एंड मर्कंडाइज उसमें जो गुड्स रखा जा रहा है जो गुड्स हम सेल करते हैं ऑल्सो रिफ्लेक्ट द स्टोर्स लोकेशन मतलब जिस लोकेशन पे आपका आ, स्टोर है तो वैस वहाँ पे जो लोग अवेलेबल है जो उसे यूज़ करते हैं उसी टाइप का गुड्स वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए जैसे कि कोई स्टोर आपने ओपन किया है वहाँ के वहाँ की पब्लिक मिडिल क्लास से बिलोंग करती है तो वहाँ पे गुड्स उसी टाइप का होना चाहिए जो वो लोग यूज़ करते हैं ठीक है ठीके? अब आप ऐसे गुड्स रखोगे जो बहुत ही रिच क्लास के लोग यूज़ करते हैं तो फिर कस्टमर्स वहाँ ऑब्वियसली नहीं आने वाले हैं नाउ इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू लोकेट द प्लेस वेर देर आर अदर सिमिलर स्टोर देर आर चांसिस दैट द कस्टमर्स हुआ लॉयल टू सर्टन स्टोर मे विजिट योर स्टोर एज वेल स्पेशल इवेंट दे मे नॉट फाइंड द प्रोडक्ट चॉइस इन द स्टोर विच देर रेगुल विजिट ऑल्सो द एम्बियंस ऑफ योर स्टोर मे अट्रैक्ट दैम टू योर स्टोर अब यहाँ पे और एक चीज लोकेशन के बारे में उन लोगों ने क्या बताई है कि आप जो भी बिज़नेस कर रहे हो उसका लोकेशन कैसा होना चाहिए कहाँ पे होने चाहिए देखिए एट द प्लेस वेयर देर आर अदर सिमिलर स्टोर्स आपके ही बिज़नेस वाली सेम सिमिलर बिजनेस करने वाले स्टोर जहाँ पे अवेलेबल है उसी लाइन में वो भी स्टोर होना चाहिए इससे फ़ायदा क्या होने वाला है कि जो कस्टमर्स बार बार अदर स्टोर्स में आ रहे हैं पहले से आ रहे हैं अगर उन कस्टमर को वहाँ पे कोई पर्टिकुलर गुड्स नहीं मिला तो क्या होता है वो सीधा आते हैं आपके स्टोर में एंड वहाँ पे आके वो गुड्स ले लेते हैं अगर उन्हें मिल गया तो या तो फिर ऐसे भी होता है कि सिमिलर स्टोर बाजू बाजू में है पास पास में है तो क्या होता है कस्टमर वहाँ पे भी अट्रैक्ट होता है कि चलो यहाँ के बदले हम अब हाँ हम वहाँ पे भी जाके ट्राई करते हैं कि कैसा गुड्स वहाँ पे मिल रहा है मान लो कपड़ों की शॉप है तो बहुत सारी कपड़ों की शॉप एक साथ ही रहती है ट्रेडिशनल वेयर की मान लो शॉप है ठीक है तो कोई पर्सन अदर शॉप्स में आ रहा है तो वो न, हमारी भी शॉप देखने आ सकता है कि वहाँ पर कौन से टाइप का गुड्स अवेलेबल है ठीक है तो इन्हीं सारी वजह रीजन्स की वजह से उन लोगों ने बताया है कि गुड्स का लोकेशन कैसा होना चाहिए जह, जहाँ पे सिमिलर आपका ही गुड्स जहाँ पे सेल होता हो स्टोर अवेलेबल हो वहीं पे आपको ओपन करना चाहिए नाउ ये तो बात की हमने लोकेशन की अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इज लाइटिंग एंड म्यूज़िक ठीक है is, music, स्टोर हमने लोकेशन सिलेक्ट किया अब स्टोर के अंदर लाइटिंग प्रॉपर होनी चाहिए ठीक है कस्टमर को गुड्स बराबर से उसका कलर क्या है क्वालिटी क्या है कस्टमर्स प्रॉपरली देख सके ठीक है वैसी लाइटिंग होनी चाहिए अट्रैक्टिव लाइटिंग होनी चाहिए एंड म्यूज़िक भी अगर हो तो बहुत अच्छी बात है तो वो कस्टमर को कस्टमर के माइंड को क्या करता है थोड़ा रिलैक्स करता है एंड कस्टमर अच्छे से इन्जॉय करके शॉपिंग करते हैं तो देखिए द स्टोर शुड बी एडिक्वेटली लीड सो दैट द प्रोडक्ट्स आर ईजीली विजिबल टू द कस्टमर्स ठीक है प्रॉपर लाइटिंग होना चाहिए ऑल्सो द लाइट म्यूजिक मे बी प्लेड एट द स्टोर लाउड म्यूजिक मस्ट बी अवॉइडेड लाउड नहीं होना चाहिए कैसा होना चाहिए लाइट म्यूजिक होना चाहिए जिससे कस्टमर रिलैक्स रहे एंड शॉपिंग करना uh, उसको अच्छा लगे वो एंजॉय करे ड्यूरिंग फेस्टिवल सीजन गुड लाइटिंग इफेक्ट नीड्स टू बी क्रिएटेड विद इन एंड आउटसाइड द स्टोर ठीक है हम मोस्टली देखते हैं कि फेस्टिवल के टाइम पे क्या होता है मॉल्स वगैरह में हम देखते हैं तो क्या होता है क्रिसमस है दिवाली है एक्स्ट्रा लाइटिंग की जाती है स्टोर के बाहर भी की जाती है एंड अंदर भी की जाती है स्टोर के बाहर अच्छी लाइटिंग करने से क्या फ़ायदा है कि लोग वहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं कि चलो हमें हम वहाँ पे जाते हैं एंड अंदर आने के बाद भी अगर प्रॉपर लाइटिंग वगैरह है उससे कस्टमर अच्छे प्रोडक्ट विजिबल प्रॉपर है वहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं एंड शॉपिंग ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग करते हैं तो ये क्या बताया उन लोगों ने लाइटिंग एंड म्यूज़िक के बारे में नाउ थर्ड पॉइंट हम कंसिडर करेंगे स्टोर प्लानिंग में फ्लोर ले अब ये फ्लोर लेआउट बहुत ज़्यादा इम्पॉटेंट एलिमेंट हो जाएगा आपका स्टोर प्लानिंग में फ्लोर लेआउट में हम क्या करने वाले हैं जो हमारा फ्लोर एरिया जो स्पेस हमारे पास अवेलेबल है आप जिस भी स्पेस पे फ्लोर बिजनेस करने वाले हो स्टोर बनाने वाले हो तो उस स्पेस को आप क्या करोगे प्रॉपर सिस्टमेटिकली उसे बनाओगे ठीक है प्रॉपर सिस्टमेटिकली हम उसे यूज़ करेंगे वहाँ पे हम प्रॉपरली प्लानिंग करेंगे कि हमारा फर्नीचर एंड फिक्सचर कैसा रहेगा शेफ़ वहाँ पे हम कैसे रखेंगे वहाँ पे हम गुड्स कैसे वहाँ पे अंदर सेट करेंगे ठीक है ये सारी चीज़ें आने वाली है फ्लोर लेआउट में नाउ द लेआउट ऑफ द स्टोर शुड बी ईजी टू मूव एंड शुड लीड द कस्टमर्स टू द मर्कंडाइज विथ ईज अब ये जो आप फ्लोर लेआउट मतलब प्लानिंग करने वाले हो फ्लोर के डिज़ाइनिंग के बारे में तो वो कैसा होना चाहिए तो कस्टमर को कंफर्टेबल होना चाहिए कस्टमर इजीली वहाँ पे गुड्स एक्सेस कर सके गुड्स देख सके वैसा होना चाहिए नाउ देर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ फ्लोर प्लान्स अब यहाँ पे उन लोगों ने कुछ टाइप्स बताए हैं कि किस किस टाइप से कौन कौन सी टाइप से अरेंजमेंट किया जाता है फ्लोर का प्लानिंग किया जाता है तो सबसे फर्स्ट आता है स्ट्रेट फ्लोर प्लान देखिए यहाँ पे एक डायग्राम हमें बताया गया है अब ये स्ट्रेट फ्लोर प्लान में क्या होता है <coughs> जो शेल्फ्स रहते हैं जहाँ पे गुड्स रखा जाता है या जो रैक्स हम बोलेंगे जहाँ पे गुड्स रखा जाता है वो ऐसे स्ट्रेट रखा जाएगा ठीक है स्टैंडिंग uh, या स्लिपिंग देखिए ऐसे स्ट्रेट रखा जाएगा उसे क्या होता है यहाँ पे जो पैसेज एरिया बीच में बचता है वो स्पेस ज़्यादा बचेगी कस्टमर को वहाँ पे इजीली वो ज, ज, वहाँ पे घूम सकते हैं यहाँ पे गुड्स भी इजीली देख सकते हैं कस्टमर के लिए बहुत ही कंफर्टेबल हो जाता है तो वेदर मर्कंडाइज इन द शेफ्स और रैक्स इज अरेंज इन अ स्ट्रेट लाइन ठीक है कैसे होता है ये स्ट्रेट लाइन में होता है विच यू नॉर्मली कम अक्रॉस इन मोस्ट ऑफ द स्टोर ये बहुत ही बेसिक है काफ़ी सारे स्टोर में यही फॉर्मेट होता है स्ट्रेट लाइन फॉर्मेट द स्ट्रेट फ्लोर प्लान प्रोवाइड्स इनफ स्पेस यहाँ पे स्पेस बहुत ज़्यादा मिलती है फॉर द कस्टमर्स टू मूव एंड शॉप फ्रीली अगर ज़्यादा भी कस्टमर हो गए कभी फेस्टिवल सीजन में या पिक सीज़न में तो भी कस्टमर यहाँ पे इजीली मूव कर सकते हैं यहाँ पे स्पेस ज़्यादा हो जाती है अगर आप स्ट्रेट लाइन फॉर्मेट यूज़ करते हो तो मतलब यहाँ पे शेवस या रैक्स हम बोलेंगे वो हम ऐसे स्ट्रेट रखेंगे ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते हैं ये हमने देखा एक स्ट्रेट फ्लोर प्लान नेक्स्ट आता है आपका डायगनल फ्लोर प्लान यहाँ पे कैसे होगा शेल्फ या रैक्स डायग्नॉली मतलब थोड़े स्लांटिंग रहेंगे ऐसे रखे जाएंगे इससे क्या होने वाला है अब यहाँ पे आपको जो भी सेलर है वेंडर है या वहाँ के जो एम्प्लॉइज़ है वो इजीली देख सकते हैं कौन से कस्टमर क्या खरीद रहे हैं क्या प्रोडक्ट ले रहे हैं देख रहे हैं ठीक है थीके? तो उन उन पे नज़र रखना बहुत इजी हो जाएगा इस फॉर्मेट में डायगोनल फ्लोर प्लान द शेफ्स और रैक्स आर कैप डायगनल टू ईच अदर फॉर द मैनेजर टू हैव अ वॉच देखिए ये एक बड़ा इसका फ़ायदा है फॉर द मैनेजर टू हैव अ वॉच ऑन द कस्टमर्स कस्टमर्स पे तो वो बराबर से यहाँ पे ध्यान रख सकता है डायगनल फ्लोर प्लान इनेबल्स अ कस्टमर टू मूव फ्रीली टू सिलेक्ट मर्केंडाइज ठीक है यहाँ पे क्या हो सकता है यहाँ पे भी कस्टमर्स फ्रीली मूव कर सकते हैं अब ऑफकोर्स कोई भी फॉर्मेट हो तो हम उसमें क्या देखने वाले हैं कि कस्टमर्स फ्रीली वहाँ पे मूव हो सके एंड प्रोडक्ट को देख सके अच्छे से एंड वहाँ पे प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर सके ये चीज़ हम सबसे मेन यहाँ पे कंसिडर करने वाले हैं तो ये आपका हो गया सेकेंड डायगोनल फ्लोर प्लान अब थर्ड आता है एंगुलर फ्लोर प्लान देखिए यहाँ पे क्या होगा <coughs> अब ये थोड़ा कौ वाला प्लान रहेगा कौ वा यहाँ पर जो गुड्स रखा जाएगा वो थोड़े कौ वाले फर्नीचर में या शेल्फ में रखा जाएगा स्ट्रेट नहीं रहेगा डायगनल भी नहीं रहेगा द फिक्चर फिक्सचर्स एंड एट टाइम्स इवन द बॉल्स आर गिवन अ कर्व्ड लुक देखिए ये वर्ड आपको याद रखना है वहाँ का यहाँ का जो फर्नीचर रहेगा ठीक है जो भी फिक्सचर्स है जो अरेंजमेंट है वॉल है वो कैसी रखी जाएगी कर्व शेप में रखी जाएगी इट गिव्स अ स्टाइलिश लुक लुक यहाँ पे चेंज हो जाता है स्टोर का स्टाइलिश लुक हो जाता है तो सच लेआउट्स आर ऑफन सीन इन हाई एंड स्टोर्स और मॉल्स कहाँ पे होगा ये हाई एंड स्टोर्स और मॉल्स वेर प्रीमियम स्कॉच बिस्की और वाइन बोटल्स आर डिस्प्लेड इट कैन बी ऑल्सो यूज इन केस ऑफ गारमेंट्स एजमेल्स गारमेंट के बिजनेस में भी गारमेंट के लिए भी ये तरीका यूज किया जाता है एंगुलर फ्लोर प्लान ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और एक दिया है आपको फोर्थ वन मिक्स फ्लोर प्लान मिक्स फ्लोर प्लान में क्या आएगा सारी ही चीज़ों को मिक्स किया जाएगा एज़ पर प्रोडक्ट या एज पर कैसे आपके पास जगह अवेलेबल है उसके हिसाब से जो कस्टमर को कंफर्टेबल रहे एंड हमारा गुड गुड्स कस्टमर को अच्छे से विजिबल हो एंड कस्टमर उसे सिलेक्ट करे फटाफट से वो चीज़ हम देख के उस हिसाब से फॉर्मेट सिलेक्ट कर देंगे मतलब पूरे ही स्टोर में हम स्ट्रेट लाइन भी नहीं रखेंगे डायग्नॉल भी रही नहीं रखेंगे एंड एंगुलर भी नहीं रखेंगे हम क्या करेंगे मिक्स कर देंगे जहाँ पे हमें जो चीज़ कंफर्टेबल लगती है जो प्लान हमें कंफर्टेबल लगता है वो हम वहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे तो देखिए इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेट सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है स्ट्रेट डायग्नल एंड एंगुलर फ्लोर स्पेस शॉपिंग मॉल्स मे अडॉप्ट दिस टाइप ऑफ फ्लोर प्लान शॉपिंग मॉल्स ज़्यादातर इसे अडॉप्ट करते हैं क्योंकि क्या होता है शॉपिंग मॉल में सारी ही वैरायटी के गुड्स अवेलेबल होते हैं तो वो लोग देखते हैं कि कौन से गुड्स के लिए कौन सा फ्लोर प्लान सूटेबल होगा एंड उस तरीके से वो उसे अरेंजमेंट कर देते हैं तो ये हमने क्या देख लिया स्टूडेंट फ्लोर प्लानिंग के लिए हमने देख लिया कि हमारे पास स्टोर का जो भी एरिया अवेलेबल है जो भी स्पेस अवेलेबल है उसे हम कैसे डिज़ाइन करेंगे हमारा गुड्स रखने के लिए उसके बाद फोर्थ आपका आता है फ्लोरिंग एंड सीलिंग अब ये जो फ्लोरिंग एंड सीलिंग भी होगा वो कैसा होना चाहिए कस्टमर के लिए कंफर्टेबल होना चाहिए प्रॉपर बनाया हुआ होना चाहिए ठीक है देखिए द स्टोर नीड टू हैव डिसेंट फ्लोर टाइलिंग द स्टोर शुड हैव डिसेंट फ्लोर टाइलिंग एंड द सीलिंग मस्ट बी प्रॉपरली डन द फ्लोर एंड द सीलिंग मस्ट बी केप्ट क्लीन और उसे क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है स्टेन्स मस्ट बी अवॉइडेड ऑन द फ्लोर एंड ऑन द सीलिंग इन साम स्टोरस कारपेट्स मे बी लेड कोई कोई स्टोर में क्या करते हैं वो लोग कारपेट बिछा देते हैं ताकि वो क्लीन रहे तो ये हो गया आपका पॉइंट फ्लोरिंग एंड सीलिंग के रिलेटेड अब आता है फिक्सचर्स अब ये फिक्सचर्स क्या हो जाएगा हमारे स्टोर्स में हम जो भी इंस्टॉलेशन करने वाले हैं जो भी फर्नीचर्स लगाने वाले हैं वो सारी चीज़ें हो जाएगी फिक्सचर्स एंड जहाँ पे हम गुड्स रखने वाले हैं हमें हम ठीक है गुड्स हम डिस्प्ले करेंगे ताकि कस्टमर उसे प्रॉपरली कंफर्टेबली देख सके तो वो फिक्सचर्स कैसे होने चाहिए फिक्सचर्स मस्ट बी इंस्टॉल्ड प्रॉपरली इन द रिटेल स्टोर फिक्सचर इनसाइड द स्टोर शुड हैव अस्थेटिक लुक एंड मस्ट बी एबल टू तो स्टोर एंड डिस्प्ले द स्टोर मर्कंड हम जो फिक्सचर्स सिलेक्ट करने वाले हैं हमने जो शेल्फ सिलेक्ट किए हैं रैक्स जो हमने सिलेक्ट किए हैं बनाए हैं वो कैसे होने चाहिए जो हमारे गुड्स को प्रॉपरली हम उसमें रख सके वैसे होने चाहिए कस्टमर्स में फोकस नॉट ओनली ऑन द मकडाइज बट आल्सो ऑन द फिक्सचर्स ऑफ द स्टोर कस्टमर ये सारी चीज़ें भी देखने वाले हैं सिर्फ गुड्स नहीं देखेंगे वो द फिक्सचर शुड इनेबल टू डिस्प्ले द प्रोडक्ट्स टू देयर फुलेस्ट एक्सटेंट And should provide easy access for customers. The shelves should not be too high, and the racks should not be too full. क्या बताए उन लोगों ने जो हम shelves रखने बनाने वाले हैं वो बहुत high हाँ नहीं होने चाहिए सारे ही लोग उसे अच्छे से देख सके वैसा होना चाहिए एंड उसमें जो हम गुड्स रखते हैं वो भी ज़्यादा ओवरलोडेड नहीं होना चाहिए लिमिटेड quantity में उसमें जितना फिट हो सकता है उतना ही गुड्स हमें वहाँ पे रखना चाहिए वैसे हमें अरेंजमेंट करना होगा फिक्सचर्स का जो कस्टमर के लिए कंफर्टेबल, इजी होना चाहिए चलिए तो यहाँ पे हमने फिक्सचर्स के बारे में पढ़ लिया कि स्टोर में कैसे फिक्सचर्स अवेलेबल होने चाहिए एंड उसमें किस तरीके से गुड्स हम रखेंगे ठीक है ओवरलोडेड ज़्यादा नहीं होने चाहिए तो अब आगे के पॉइंट स्टूडेंट हम करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में वहाँ पे कंटिन्यू करेंगे अगर कोई क्वेश्चन हो तो बता देना कमेंट सेक्शन में एंड वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक like कर देना तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में थैंक यू सो मच